दोस्तों आज मैं जनोवर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 2020 लॉकडाउन में घटी थी। कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक क्राइम सीन पर आया होता है। फिर जब वो अपनी टीम से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही संगीन वारदात हुई है। फिर वो पुलिस वाला उस घर के अंदर जाता है। जब वो एक कमरे में जाता है तो उससे वहाँ पर काफी तेज गंध आने लगती है। जिसके बाद जब वो और अंदर जाता है तो तभी उसे एक कमरे में एक लड़की दिखाई देती है, जो उसे देख कर अपना शरीर ढक लेती है और उसे खुद को छूने से मना करती है। ये सुनकर वो उसे बताता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए वो चिंता ना करे। पर फिर भी वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि वो काफी दहशत में थी। तभी आगे जाने पर उसे उसकी छोटी बहन भी नजर आती है। फिर वो उससे कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो तुम मुझसे क्यों डर रही हो। पर वो लड़की भी उससे यही कहती है कि वो उसे टच ना करे। अब ये देख कर वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। फिर जब वो बेडरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर उन दोनों की माँ दिखती है, जो उससे कहती है कि वो भगवान के लिए उसे छोड़ दे। अब ये देखकर वो पुलिस वाला काफी हैरान हो जाता है। फिर वो उस छोटी लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम हॉरिन है और पिछली रात को उसका बर्थडे था। फिर हम उसके बर्थडे के एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ हॉरिन अपने भाई के पास जाती है जो कि बोल और सुन नहीं सकता था। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज उसका बर्थडे है, तो वो उसके लिए बड़ा सा केक लेकर आए। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा बर्थडे कल रात को 2:30 बजे मनाया जाएगा, क्योंकि तुम 2:30 बजे ही पैदा हुई थी। अब रात में दोनों माँ बेटी बर्थडे की तैयारियां शुरू कर देती हैं। तभी उसकी माँ को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि जॉब के लिए मलेशिया गया हुआ था। वो उससे कहती है कि काश तुम भी यहाँ होते। फिर हॉरिन की बहन उसकी आँख बंद करके उसे यहाँ ले आती है और तभी हॉरिन ये सब देख कर काफी खुश हो जाती है। फिर उसकी बहन फ्रिज से उसका केक लेकर आती है, जिसे देख कर वो कहती है कि ये तो काफी छोटा है। फिर वो उस केक को वापस से फ्रिज में रखने जाती है और अपनी माँ को कहती है कि वो रात में 2:30 बजे ही इसे काटेगी। तभी उनकी माँ उनसे कहती है कि अब तुम सब चुपचाप जाकर सो जाओ, जिसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाती हैं और सो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में हॉरिन की नींद खुल जाती है और वो रात को 11 बजे ही उठ जाती है। फिर वो अपनी बहन के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर उसकी बहन काफी गहरी नींद में थी। ये देखकर वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि उसे अब नींद नहीं आ रही। इस पर उसकी माँ उसे वापस जाकर सोने को कहती है और कहती है कि वो 1 बजे उठकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब हॉरिन वहाँ से बाहर जाती है और सोफे पर लेट जाती है। तभी रात में 12 बजे एक आदमी उनके घर में आता है, जिसके हाथ में एक चाकू था और उसने अपना मुंह ढक रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर जब वो देखता है कि हॉरिन सोई हुई है, तो वो तुरंत जाकर दरवाजा खोल देता है, जिससे उसके सभी साथी भी अंदर आ जाते हैं, जिनके हाथ में हथियार थे। दरअसल इन्हें पता चलता है कि इस घर में 20 लाख रुपए हैं और ये उन्हें ही चुराने आए होते हैं। उनमें से एक लड़का था और उसका फादर भी यहाँ आया था, जो कि यहाँ उन सभी का लीडर था। तभी वो लड़का उससे कहता है कि उनकी एक बड़ी बेटी भी है जो कि काफी सुंदर है, इसीलिए वो उसके साथ एक बार करना चाहता है। इस पर वो कहता है कि एक बार उन्हें वो पैसे मिल जाएं, फिर वो उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। जिसके बाद सभी मिलकर उन पैसों को ढूंढने लगते हैं। फिर वो हॉरिन के मुंह को बांध कर उसे कैद कर देते हैं, जिसके बाद वो उसकी माँ के कमरे में जाते हैं और उसके दरवाजे का लॉक तोड़ कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि उनकी माँ अपने बेटे को लेकर सोई हुई है। फिर वो सभी उस कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिलते। तभी उनका लीडर कहता है कि वो उस लेडी को उठाएं और उससे पूछें कि उसने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं। फिर वो उसकी माँ को हथियार दिखाते हैं और पूछते हैं कि वो पैसे कहाँ हैं। इस पर उसकी माँ उनसे हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन वो लुटेरे उसकी एक नहीं सुनते और उसे घसीट कर बाहर ले जाते हैं। तभी वो औरत कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उन्हें लाकर देगी, पर वो उसके बच्चों को छोड़ दें। फिर जब वो उन पैसों को लेने जाती है तो उसके पास केवल 30,000 ही होते हैं, जिसे देखकर उनका लीडर उस पर काफी भड़क जाता है और उसे पूरे 20 लाख देने के लिए कहता है। ये देखकर वो उनके पांव पड़ने लगती है, लेकिन तभी वो उसके बच्चे को बंदी बना लेते हैं और जैसे उसे करने को कहते हैं वो वैसा ही करने लगती है। तभी वो उसे उसकी बेटी का कमरा खुलवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो पैसे उसी के कमरे में है। फिर जब वो अपनी बेटी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो उसके
की बेटी दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो बाहर शोर सुनकर सतर्क हो गई थी। वो उनसे पूछती है कि बाहर और कौन है, तो उसकी माँ कहती है कि बाहर वो अकेली ही है। अब ये सुनकर वो दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो सभी अंदर घुस जाते हैं और उसे भी बंदी बना लेते हैं। फिर वो उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो पैसे नहीं मिलते, जिससे अब उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें बांधकर हॉल में लेकर आते हैं। लीडर उनसे कहता है कि उसे किसी भी हाल में 20 लाख रुपए चाहिए। वो औरत उनसे अपने बच्चे को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तभी उसकी बड़ी बेटी उसमें से एक का मांस खटा देती है और देखती है कि वो तो उनका रिक्शे वाला फरहाद है, जो उन्हें अक्सर रिक्शे से स्कूल छोड़ा करता था। ये देखकर वो औरत उसे पीटने लगती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, पर तुम तो एक दानव हो। तभी वो सभी भी अपने मुंह से पट्टी हटा देते हैं, जिसे देखकर वो पूरी फैमिली काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी उनके घर के लिए ही काम करते थे और इन्होंने मिलकर इस घर को लूटने का प्लान बनाया था। पर यहाँ फरहाद का पिता काफी जिद्दी होता है, वो उसे कहीं से भी 20 लाख लेकर आने को कहता है। ये देखकर उनकी मदर घर में जाती है और अपने सारे ज्वेलरी लेकर आती है और उन्हें देकर कहती है कि अब तुम हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ और वो पुलिस से इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। तभी फरहाद का पिता अपने एक साथी को डांटने लगता है, क्योंकि उसी ने इन्हें बताया था कि इस घर में 20 लाख रुपए हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि जब वो मैडम को रिक्शे से ले जा रहा था तो उसने उसे फोन पर बात करते हुए सुना था कि उसने घर में 20 लाख रुपए रखे हैं, पर अब पता नहीं उसने वो पैसे कहाँ रख दिए हैं। ये सुनकर वो औरत कहती है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती, क्योंकि मुझे अपनी बेटियां प्यारी हैं। तभी फरहाद का पिता उससे कहता है कि उसे काफी भूख लगी है, इसीलिए वो उस लेडी को किचन में जाकर पुलाव और चिकन बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लेडी उनके लिए पुलाव और चिकन बनाने लगती है। इधर फरहाद और उसके दोस्त की गंदी नजर उसकी बेटी पर थी और वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे। तभी उनमें से एक आदमी उस छोटी लड़की के पास जाता है और उसे अपने पास बैठा लेता है। इधर वो लेडी उनसे घर छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुन रहे थे। फिर जब वो चिकन तैयार कर लेती है तो वो सभी मिलकर उसे खूब खाते हैं, लेकिन खाने के बाद वो लोग वहाँ से नहीं जाते। तभी फरहाद का पिता उसकी माँ के पास आता है और उसे और उसकी बेटी को साड़ी पहनकर तैयार होने को कहता है और उन्हें अपने सामने डांस करने के लिए कहता है। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने तो सब कुछ लूट ही लिया है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद का पिता उसे बुरी तरह पीटता है और फिर उसे उसके रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है। फिर वो उसे एक साड़ी निकाल कर देता है और उसे जल्दी से तैयार होने को कहता है। फिर वो उन्हें जबरदस्ती वो साड़ी पहनवाते हैं और उनसे डांस करवाते हैं, जिसके बाद फरहाद का पिता उसकी माँ को अपने रूम में ले जाता है और वो सभी उसकी बहन को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके उन सभी का शोषण करते हैं। तभी एक आदमी उस छोटी लड़की के पास आता है और उसे भी नहीं छोड़ता। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ वो पुलिस वाला ये सारी घटना सुनकर काफी हैरान होता है। फिर वो हॉल में जाकर सिगरेट पीने लगता है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो सके। तभी वहाँ पर उसका साथी आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर चार फैमिली मेंबर थे जिनमें से एक अभी लापता है। ये सुनकर उसे याद आता है कि उसने अभी बाथरूम चेक नहीं किया है। फिर जब वो उस बाथरूम का गेट खोलता है तो उसे उस लड़के की लाश मिलती है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जब वो फिर से उन कमरों में जाता है तो अब उसे उन सभी की लाश मिलती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो ये सब इमेजिन कर रहा था और वो सभी डेड बॉडीज उसे अपनी कहानी बता रही थी। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और पूछता है कि वो अभी कहाँ है। इस पर वो कहती है कि वो अभी एक शॉपिंग मॉल में आई है। ये सुनकर वो उससे तुरंत अपने बेटे को लेकर घर आने को कहता है और कहता है कि दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देना और किसी का भी जवाब मत देना। तभी उसका साथी कहता है कि इन तीनों का काफी बुरी तरह शोषण हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद क्या हुआ था, इन तीनों ने मिलकर उनका बुरी तरह शोषण किया। तभी फरहाद का पिता उनसे कहता है कि अब इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, उन्हें इन लोगों को जान से मारना होगा, नहीं तो ये पुलिस को सब कुछ बता देंगे। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो मर्डर नहीं कर सकते, पर फरहाद का पिता उन सभी को फोर्स करता है, जिसके बाद वो उस लेडी के रूम में जाती है और उसका गला
गला काट कर उसे मार डालते हैं। फिर वो उसकी बेटी के रूम में जाते हैं और वो उसका भी गला काट देते हैं। तभी फरहाद का पिता उस आदमी को उस छोटी बच्ची को निपटाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आदमी जाकर उस लड़की का भी गला काट कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो कहते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी फरहाद का पिता कहता है कि उन्हें उस छोटे लड़के को भी मारना होगा क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकते। फिर वो उस छोटे बच्चे को लेकर उस बाथरूम में जाता है और स्टैप करके उसे मार डालता है। इसके बाद ये सभी अपने खून साफ करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और ये मूवी